इन मोदी साहब को एक मैसेज भेजा है, भेजने वाले हैं, वो भद्रायु भाई पढ़ेंगे। हेलो, श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। धीरे-धीरे, स्लो स्पीड में। श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, 31 मई 2014 शनिवार। काका जी का तिथि के मुताबिक जिस दिन बर्थडे आता है, 12 जून डेट के हिसाब से, हाँ जी, 31 मई जेठ शुद्ध तीज, वो काका जी का तिथि के मुताबिक, इसलिए इसमें ये डेट है। स्वामी श्री जी, गौरवशील गुजरात की अस्मिता एवं भारत के गौरव समान जन सामान्य के आत्मीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब, दिल्ली आकर प्रधानमंत्री के गौरवशाली पद को आप जब अलंकृत कर रहे हैं, तब अशोक विहार के श्री स्वामीनारायण मंदिर से सभी संतों भक्तों की ओर से साधु मुकुंद जीवन दास के हार्दिक अभिनंदन एवं आपका भावपूर्ण स्वागत है। वर्षों तक यह सेवा करते हुए देश के उत्कर्ष में निमित्त बनो, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना सहित आपको जय स्वामीनारायण एवं जय हिंद। केवल एक हिंदू धर्म ही कहता है भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। मोमेडियंस भी कहते हैं पैगंबर आए हैं, खुदा आए नहीं कहते। सिखों में भी गुरु परंपरा चालू है, प्रभु ने अवतार लिया है ऐसा नहीं आता। क्रिश्चियनिटी में भी मैं भगवान का लड़का आया हूं, भगवान का सेवक आया हूं। हिंदू धर्म ही ऐसा है, जो राम ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा, और भगवान स्वामी नारायण वो तो कहा कि मैं अखंडित भरत खंड में रहूंगा। और भगवान स्वामी नारायण ने तो मानव स्वरूप में मैं धरती पर मैं हमेशा प्रकट रहूंगा का वरदान देकर समग्र मानव जाति पर असाधारण करुणा बरसा दी। कैसी होगी हमारे भारत की भूमि, जिन्हें धरती पर अवतार लेने के लिए और अखंड रहने के लिए हिंदुस्तान को पसंद किया। देखो, कई मुझे कहते भी है कि तुम्हें क्यों मन नहीं होता फॉरेन जाने का। मैं कुछ मूर्ख है, जब भगवान का मन यहाँ करा, हमारे भगवान ने कहा यहाँ रहना है, तो हमें वहां जाके क्या कर रहे हैं। इसीलिए भारत में जन्म होना इसे मैं केवल सौभाग्य ही नहीं बल्कि अनंत पुण्य का फल मानता हूं और गर्व महसूस करता हूं। हमारे गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप काका जी कहते, भारत का नक्शा मात्र भौगोलिक नक्शा नहीं है, सांस्कृतिक नक्शा है। भारत का नक्शा कल्चरल मैप है, संस्कृति का मैप है। इतिहास साक्षी है कि कई परदेशी हमले होने के बावजूद अन्य कोई संस्कृति इसे परास्त नहीं कर सकी, निगल नहीं सकी। इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन भले ही अभी नक्शा कैसा भी लगता हो, लेकिन ओरिजिनल नक्शा वापस आ ही जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, सब कुछ। बृहत भारत का नक्शा देखें, ये इनडायरेक्टली कहा है, बृहत भारत का नक्शा देखें तो यह छलांग मारते आक्रामक सिंह के सदृश लगता है। इसी प्रकार
आपका व्यक्तित्व भी सिंह जैसा है। तभी तो किसी का साथ मिलता है या नहीं यह कुछ भी देखे बिना टीका चर्चा अवहेलना इत्यादि को गिने बिना एक ध्येय निष्ठा से केवल प्रभु के बल से आप चुनाव में अथक जूझे और ज्वलंत विजय पाई और गांधीनगर में आपके मुख से उद्गार फिसल गए, प्रभु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यह सुनकर जैसे कि परम पूज्य काका जी कहते, वन प्लस गॉड इज अबंडेंस, यह मुझे आप में चरितार्थ होता नजर आया। अब तक हमने आपको गौरवशाली गुजरात के नाथ के रूप में पहचाना, परंतु अब जनता जनार्दन ने राजाधिराज के रूप में भारत की प्रभुता फैलाने के लिए आपको पसंद किया है। परम पूज्य काका जी ने कहा है, भारत का भावी खूब उज्ज्वल है। ऐसे संत के वचन आशीर्वाद रूप होते हैं और हमें वो खो नहीं देने हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर आपके आने से नवयुग के उदय के आसार नजर आए हैं। आपने भी अक्सर जो निम्न भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे आपके देश प्रेम का दर्शन होता है। शासन करने के लिए नहीं, प्रहरी बनकर आया हूं। राजनीति में मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, परंतु एक अभियान है। तो आपके द्वारा देश की केवल रक्षा चौकीदारी ही नहीं बल्कि उन्नति विकास होता रहे, भारत की संस्कृति की आभा सर्वत्र फैले और उसमें निमित्त बनकर सर्वोत्तम सेवा होती रहे, इस हेतु जैसे प्राचीन भारत में राजगुरु के आशीर्वाद से राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, उसी प्रकार आपको हमारे प्रगट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रति आस्था है, तो उन्हें आगे रखकर पल भर उन्हें अचूक याद करके ऐसे निर्णय लीजिएगा। हवा की भांति ब्रह्म स्वरूप संत सर्वत्र व्यापक होते हैं, वे तुरंत गाइड करेंगे ही, प्रेरित भी करेंगे एवं शक्ति भी देंगे। देन यू विल कमिट नो मिस्टेक। दूसरी एक बात, परम पूज्य काका जी कहते, इट इज ए ग्रुप दैट गवर्न्स। इस सूत्र को पकड़कर लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स के तथ्य को दिल की सच्चाई से स्वीकारना। भारत विविधता से भरा देश है, इसमें आपको एकता प्रगटानी है। इस हेतु विरोधी से भी आते सकारात्मक सूचनों को स्वीकार करके विरोधी से आते। हाँ, मैं कोई मिस्टेक रह गई क्या? इस हेतु विरोधी से भी आते सकारात्मक सूचनों को स्वीकार करके, जैसा कि आपने स्वयं भी कहा, 56 इंच के सीने के साथों साथ दरिया दिली से उठाव लेना। बृहद भारत के उज्जवल भविष्य में प्रभु आपको सर्वोपरि निमित्त बनाए और देश आपको भारत रत्न के रूप में नवाजे, ऐसी शुभेच्छा और प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। अंत में, फिलहाल तो आप खूब व्यस्त होंगे, परंतु बाद में अपनी सहूलियत से एक बार आप हमारे मंदिर जरूर पधारिएगा। आपको भगवान के दर्शन होंगे, संतों का आशीर्वाद मिलेगा और कुटुंब भाव से जीते एक दिव्य समाज से मिलना होगा। हम सबको भी आपके स्वागत सत्कार का मौका मिलने का आनंद होगा। हमारी इस भावना को, इस बात को स्वीकार करोगे ना? यहां से सभी की ओर से आपके साधु मुकुंद जीवन दास के हार्दिक जय स्वामीनारायण, जय हिंद। तो अभी आज एज ए टोकन ऑफ प्रसाद, ढोकला और जबेली, क्या जलेबी खा के जाना। चलो अभी चालू करो अपना। अब बेहो ना हमें त्या।
अरे आशीष अभी ये हटा दो, मुझे ऐसा जमता है, मुझे घुटन होने लगी कि मैं अकेला पड़ गया यहाँ, या दो कोई सोफे रख। पांच मिनट लगे, वो ग्रुप है ना वो टिक्की खा रही है इसलिए देरी लग रही है। गुरुजी ने भेजी है लेकिन पहले खा ले। अरे मैं ये तेल इसका नाम क्या तनुज के लिए मंगाओ, कम से कम एक प्लेट में दो टिक्की तो मंगाओ, यहां मंगा दो मिक्स कर गया रगड़ा वगड़ा लगा के। कल प्रॉमिस करके गया है कि आप जितना दोगे इतना खाऊंगा। आज दुकान बंद होगी लगता है। ओहो मैं कब समझा कि हो मेरे लिए कितना टाइम निकाला, मैं भी बड़ा भोला आदमी हूं, ये तो फ्री है तो आ गया है कि यार आते हैं वो तो देखो है? आज पहले टिक्की तो खा ले। टिक्की खा लियो तो चालू करो। ये कहते नहीं अभी जलेबी बाकी है। मंगला साहब को आप ले गए बस विद्यानगर जाके आ गया, वो पलटी मार गया जिसको कहो, सही बात है कि नहीं? एकदम पलटी मार गया यार। मैं ये चीज करा करता हूं क्योंकि ये काम मेरे से तो होता नहीं है, क्योंकि कुछ करना तो पड़ेगा। जो भी आवे या तो उसको विद्यानगर ले जाओ या हरिधाम ले जाओ। अभी एनके अग्रवाल को ले गए थे, मंगला साहब का एक कलीग है, मैंने सोचा अभी इसको किसी भी तरह काबू में तो लाना ही पड़ेगा। बोला तू चल विद्या मेरे साथ चल। ये हम जो हरिधाम उसको ले, हम जो मंदिर में बैठे हैं वो जगह एक्चुअली एनके अग्रवाल ने सारा मैनिपुलेशन करके डीडीए में हमें दिलवाई थी। उस समय इनको सत्संग नहीं था, मैंने सोचा अभी इतनी सेवा करी है अभी इसे किसी तरह घेरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वहां सोर्स मिल गया है मंगला, उसके थ्रू फिर वो पक्के हो गए। तो देखो आज इसके पोते वेकेशन में मंदिर में सेवा करने आ गए। अभी इसको किसी भी तरह काबू में तो लाना ही पड़ेगा। बोला तू चल विद्या मेरे साथ चल। जो हरिधाम उसको लेके गए विद्यानगर काका जी की समाधि पे लेके गए, बस यहां आके जो उसने पलटी मार दी है ठीक ठाक काम हो गया, विकेट गिर गई। हाँ यहां आके जो उसने पलटी मार दी है ठीक ठाक काम हो गया, ये असली साधु कर पाएंगे। ये हमारी कल्पना भार की चीज है, तुम दूसरों की बात जाने दो, एक करिश्मा अपने आप के अंदर भी तो देखो क्या हम यहां कभी बैठ सकते हैं। हम यहां कभी ऐसे बैठ सकते हैं? तुम्हारा सर्कल विचार करता होगा यार इसको कौन सी ऐसा पागलपन छा गया जो अब काबू में ही नहीं आते, मिलते ही नहीं, जब भी फोन करो या नहीं अशोक विहार मंदिर है, या नहीं अशोक विहार मंदिर है, तुम्हारे गुणायतान स्वामी अहमदाबाद में गए थे, मुक्तानंद स्वामी, ये प्रसंग अहमदाबाद का है। वहां एक पंडित विद्वान डेली शाम को कथा करता था, उसकी ऑरेटरी ऐसी थी कि हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए और वो चाहे तो इन सबको एक बार रुला दे और चाहे तो एक बार सबको खुश करके आनंद मिले। आप वाणी का विलास वैभव
उसका ऐसा था, लेकिन वो सब कैसा फिल्म देख के आए वैसे दो तीन घंटे, कोई लाइफ के अंदर उनके चेंजेस नहीं आवे। क्या लाइफ के अंदर चेंज नहीं आ रहा? फिल्म देख के आए क्या? फिर से करो ये। मैंने ही करी बात, मुझे समझ नहीं आती ये क्या कहा है। दो तीन घंटे कोई लाइफ के अंदर उनके चेंजेस नहीं आवे। थोड़ा वापस मुक्तान स्वामी विलास वैभव उसका ऐसा था। और चाहे तो एक बार सबको खुश करके आनंद मिले आप, वाणी का विलास वैभव उसका ऐसा था। लेकिन वो सब कैसा फिल्म देख के आए वैसे दो तीन, हाँ सब कैसा है। दो तीन घंटे कोई लाइफ के अंदर उनके चेंजेस नहीं आवे। मुक्तान स्वामी एक बार कुछ अहमदाबाद गए होंगे, एक दिन इन्होंने कथा करी, कईयों ने शराब फलाना ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वो जो पंडित था उसको विचार आया कि इसके पास क्या करिश्मा है, तो उन्होंने मुक्तान स्वामी को जाके पूछा, तुम्हारे पास क्या इलम की लकड़ी है? लकड़ी, हाँ मुझे वो आत्मा की लकड़ी याद आ गई, इलम की। मैंने सोचा मैं कुछ गलत शब्द बोल गया कि क्या बात है, क्या इलम की लकड़ी है जो घुमाते हो और तुम्हारे पीछे पीछे घूमता हो जाता है क्या? फिर मुक्तान स्वामी ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि तुम्हारे जो चने वो चटपटे टेस्टी जरूर होंगे, वो उगेंगे नहीं। हमारे चने कड़क फीके होंगे, टेस्ट बेस्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन वो उगेंगे, बस ये फर्क है। आप पूछोगे ये क्या है, तो कि अपना ज्ञान सभी ज्ञान, अपना जो ज्ञान है वो सभी ज्ञान है, बाकी सब निर्बीज ज्ञान है। तो आप पूछोगे सभी ज्ञान क्या, तो क्या भगवान से अखंडित संलग्न वो ज्ञान है, भगवान से अखंडित संलग्न ज्ञान है, क्योंकि अपने यहां भगवान ऐसे संत के द्वारा मूर्तिमान प्रगट है। ये एक मजकूर रहस्य है, ये कोई जगह पे नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं समझ लेना, भगवान कोई हुआ नहीं, हो नहीं सकता, असली नारायण एक सहजानंद स्वामी हो गए। तो हमारे स्वामी जी कहो या काका जी कहो या पप्पा जी कहो, कोई नारायण है नहीं, लेकिन वो नारायण को अखंडित रखे हुए नखशिखा पर्यंत और एक पल भी उनसे नारायण अलग नहीं रहते, ऐसी वो भगवान की मूर्तियां हैं। ये बड़ी गहराई की चीज है, प्रगट की उपासना वो ही सच्चा सबीज ज्ञान है। देखो वचनामृत में एक बात है, एक सेंटेंस आता है कि जो कथावार्ता के में कथावार्ता के अंदर भगवान का संबंध नहीं हो, क्या वचनामृत है, जिस कथावार्ता के अंदर भगवान का संबंध नहीं हो वो माइक गुण युक्त है। वचनामृत में ये एक सेंटेंस है, आपने पढ़ा होगा शायद मध्य आठ या ऐसा कुछ है, पता नहीं 28। फिर से मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैंने पहले भी ये बात करी हुई है, वचनामृत में एक सेंटेंस है कि जो कथावार्ता के अंदर कथावार्ता में भगवान का संबंध ना हो
पहली बात तो भगवान के संबंध के बिना कथा वार्ता बोली नहीं जाए, वो तो गाम कथा बोली जाए। भले स्वामीनारायण की नहीं, पर राम की, कृष्ण की, माता की, महादेव की। और ये कहते कथा वार्ता, मतलब कुछ समझने में वो कहना अलग चाहते हैं। अब समझ आएगी। वो माइक गुण युक्त है, वचनामृत में ये एक सेंटेंस है, आपने पढ़ा होगा शायद मध्य 8 या ऐसा कुछ है, पता नहीं 28। फिर से मैं सेंटेंस बोलता हूं कि जिस कथा वार्ता के अंदर भगवान का संबंध नहीं हो वो माइक गुण युक्त है। ये मैंने जब पहली बार पढ़ा मुझे एकदम विचार आया कि जिस कथा वार्ता में भगवान का संबंध नहीं हो वो पहले तो वो कथा वार्ता ही नहीं बोली जाएगी। सीधी बात है ना। आज मान तुम सत्यनारायण की भी कथा करो तो कहोगे कहां गए थे, कथा में गए थे। क्लब में अगर गए होंगे और पूछेंगे कहां गए थे तो कहोगे कि हम सत्संग में गए थे, कथा में गए थे, नहीं कहोगे। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि अगर जहां भगवान का संबंध नहीं हो वो कोई भी वार्ता होगी वो कथा वार्ता नहीं बोली जाएगी, ग्राम्य वार्ता बोली जाएगी। हाँ, भले तुम ऐसे शब्दों में उसे ना कहो कि ग्राम्य वार्ता, लेकिन उसे कथा वार्ता तो नहीं कहोगे। ऐसे कहोगे जो बात के अंदर भगवान का संबंध नहीं हो। तो मैंने विचार किया कि ये सहजानंद स्वामी ने कैसा पैराडॉक्सिकल बात लिखी। पैराडॉक्सिकल पता लगा ना, पैराडॉक्सिकल विरोधाभासी, बराबर शब्द। तो ये एक पैराडॉक्सिकल लगता है कि जहां भगवान का संबंध नहीं हो वो कथा वार्ता बोली नहीं जाती। पैराडॉक्सिकल शब्द बराबर है इंग्लिश में, एमए विद इंग्लिश को पता होगा, अपने को तो मुश्किल से बीए मांड होंगे। हेलो, वो भी मानते हैं कि मैं बड़ी एमए हूं तो मुझे सर्टिफिकेट देना चाहिए, तो वहां से कहलवाते हैं। चलो, ये एक पैराडॉक्सिकल लगता है कि जहां भगवान का संबंध नहीं हो वो कथा वार्ता बोली नहीं जाती। तो सहजानंद स्वामी ने ये किस तरह लिखा होगा, मैं पढ़ता हूं ना, मेरा ऐसा चलता रहता है। एक वचनामृत या स्वामी, आपने भी ये वचनामृत पढ़ा होगा, लेकिन तुम्हें कभी विचार नहीं आया होगा कि ये गड़बड़ वाली बात क्या आ गई। और मेरा मां अटक जाता एक एक सेंटेंस पे कि यहां ये लिखा तो ये क्यों नहीं। हाँ, यूं करते करते मेरी जिंदगी 52 साल की पूरी हुई। 77 साल ये, इसका मतलब ये 25 साल पहले की बातें हैं। कि तुम्हें कभी विचार नहीं आया होगा कि ये गड़बड़ वाली बात क्या आ गई। और मेरा मां अटक जाता एक एक सेंटेंस पे कि यहां ये लिखा तो ये क्यों नहीं। हाँ, यूं करते करते मेरी जिंदगी 52 साल की पूरी हुई। हाँ, तुम्हारी तरह एक विश्वास रख के चल पड़ा होता ना तो आज पार हो गया होता। फिर मैंने जोगी महाराज को फिर पूछा एक बार रात को कि स्वामी ये वचनामृत में महाराज ने ऐसा लिखा कि कथावार्ता के अंदर भगवान का संबंध नहीं हो, पहली बात तो वो कथावार्ता ही नहीं बोली जाएगी, तो ये किस तरह महाराज ने लिखा। स्वामी एकदम बोले आज तो मजकूर से वो ही रहस्य है कि तुम बड़े बुद्धि वाले हो, बहुत अच्छा सवाल करा। तो मैंने कहा वो बात जाने तो समझाओ क्या बात है। तो कि वो ही कहना है कि जो कथावार्ता के अंदर प्रगट भगवान का संबंध ना हो, मानो भगवान जिसके द्वारा प्रगट हो ऐसे संत का संबंध नहीं हो वो माइक गुण युक्त है। मैंने कहा कि महाराज प्रगट हो या परोक्ष हो भगवान का संबंध वो माइक गुण युक्त कैसे बोला जाए। चलो वो तो बात तुम्हारी समझ आई कि कथा वार्ता प्रगट की होवे वो कहना चाहते हैं, बाकी नहीं। लेकिन माइक गुणे वो कहते हैं वो ऐसा है कि महाराज ने ये कहना चाहा था
कि वो तुम्हारा माइक भाव टाल नहीं पाएगा। प्रकृति और प्रारब्ध को टाल नहीं पाएंगे। भगवान का कितना ही भजन करा करोगे, संस्कार पढ़ते रहेंगे, कीर्ति मिलती रहेगी, तुम्हारे इस लोक के सारे संकल्प भी पूरे होते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा माइक भाव नहीं टलेगा। वो संत के थ्रू ही काम हो सकता है। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है पूरा। इसीलिए युगल उपासना, युगल उपासना। तुम विचार करो, शास्त्री महाराज कैसे कहें, मूर्ख तो थे नहीं कि महाराज का स्थापित करे हुए मंदिर इन्होंने वो छोड़ करके ये सारे नए मंदिरें बनवाए। कोई ना कोई तो रहस्य होगा। वो युगल उपासना आगे दिखाया, राधा कृष्ण सीताराम शिव शक्ति वगैरह, लेकिन कहने का मजकूर ये था कि परब्रह्म तत्व और ब्रह्म, ये युगल उपासना वही तुम्हारा बेड़ा पार कर पाए। कंटिन्यूटी ये कोई जगह पे नहीं मिलेगी। तो तुम सारी दुनिया घूम के आओ, मुझे बताओगे गुरुजी ये एक परंपरा ऐसी है यहाँ ऐसी कंटिन्यूटी आज भी चालू है, नॉमिनेट करी हुई नहीं, अपने आप निकली हुई भी नहीं, भगवान के द्वारा प्रकट हुई सूर्य समान, और वो उसके कल्याणकारी गुण ऊर्जा शक्ति तेज उससे पता लग जाता है। इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आज सूर्य एक डूबता है, कल कहना पड़ता है कि ये कल जो डूबा था वो सूर्य उगा है, उसकी रोशनी उसके तेज उसे पता लगेगा। कोई जगह पे नहीं मिलेगी ना, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है कि नहीं यहाँ तो है, हो ही नहीं सकता। हाँ, तो विचार करो हम लोग कितने भाग्यशाली होंगे जो ऐसी परंपरा में हमें बिठा दिए। और इसीलिए रोज गाते हैं धन्यवाद 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 धन्यवाद। लेकिन माइक गुण है, वो कहते हैं वो ऐसा है कि महाराज ने ये कहना चाहा था कि वो तुम्हारा माइक भाव टाल नहीं पाएगा। क्या? तो अब वो सेंटेंस बराबर फिट होता है कि जो कथा वार्ता के अंदर प्रगट भगवान का संबंध नहीं हो वो तुम्हारा माइक भाव टाल नहीं पाएगा। अब ये हमारे वचनामृत की रेफरेंस आई, इसी को गीता के साथ टैली करता है कि गीता के अंदर श्लोक है कि मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य मानकर गाएगा वो माया से तैर जाएगा। आज सारा हिंदुस्तान रामायण महाभारत और भागवत सुनते ही है, चरित्र गाते हैं। भागवत की सप्ताह उसमें क्या है, कृष्ण के लीला चरित्र ही है, रामायण की राम के चरित्र के गुणगान ही है, गाते भी है, लेकिन वो सप्ताह पूरी होने के बाद कोई माया से तरा हुआ दिखाई पड़ता नहीं है। बराबर बात है ना? तो गीता का ये श्लोक गलत होगा शायद, तो ये भी मैंने पूछा कि स्वामी इसमें तो ये लिखा हुआ है। तब इन्होंने समझाया कि ये जो गीता वगैरह जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो एरे गेरे नहीं लिखे, एक कंटिन्यूअस अनुपूर्वी उसका संबंध होता है एक श्लोक के साथ दूसरे का वगैरह वगैरह। तो कहते हैं इसके साथ ही एक श्लोक है कि युगे युगे संभवामी, हर युग में मैं प्रकट होऊंगा। क्योंकि इनका कहना यह है कि जिस समय जो विभूति द्वारा ये परम चेतना प्रकट है उसके जन्म और कर्म तत्कालीन समाज दिव्य मानकर जो गाएगा वो माया से तैर जाएगा। तो कृष्ण के समय के अंदर गोपियों ने गोप ने
भगवान के चरित्र दिव्य मानकर गाए, वो गोपियां आज वेद की श्रुति मानी जाती है, माया से तैर गई, निर्गुण भाव को पा गई। तो देखो स्वामीनारायण की ये सबसे बड़ी देन है कि ऐसे गुणातीत भाव में रहते हुए संतों की एक अखंडित परंपरा अपने यहां इन्होंने रखी। और कल्याण का एक मार्ग हमेशा के लिए धरती पर खुला रख दिया। फिर एक सवाल यह उपड़ता है कि कैसे पता चले कि ये स्वामी के पास सच में भगवान ही रखे हुए हैं, शक्ति के भी सिद्ध होंगे लेकिन भगवान की मूर्ति ही इसके पास है, तो उसकी और उसके साथ रहने जाओ, चरित्र नापने जाओ, करो ये करो, वो कुछ नहीं। टाइम कहां है आज का? तो जिस साधु के पास तुम जाओ वो तुम्हारे साथ बात करे ना करे, तुम उसे पहले मिले हो नहीं मिले हो, वो तुम्हें एहसास करा दे भीतर से, इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन नहीं, भीतर चेतना में ये हो जाए कि ये स्वामी मेरे हैं और मैं इनका, बिना कहे भी कुछ बात नहीं होवे, मां समझना वहां भगवान अखंडित निवास करें, फिर वह स्वामी को तुम अपने सारे दुखों की जड़ मानो या सुखों की जड़ मानो, कुछ जड़ तो मानी, वो जहां भी हो जावे मां समझना भगवान इनके पास अखंडित रखे हुए। हाँ, संग मिला है लेकिन जब तक समागम नहीं करेंगे तब तक अज्ञान टलेगा नहीं। समागम का मतलब काका जी समझाते थे गुजराती में, समा की गम मानो समय की पहचान, वो जब तक नहीं होगी, क्यों हो ऐसी बड़ी चीज हमें मिल गई है, दूसरी झंझटों में टाइम गवावे, उसके अलावा सबसे पहला काम ये कर लेना है, वो समय की पहचान। आज मानो कोई कहे कि यहां से मेहरोली पे मामा ये पेड़ बतावे, इसके नीचे 25-30 करोड़ के हीरे पड़े हुए हैं, वो किसी को पता नहीं है, तुम जाके ले आओ, तो एक सेकंड भी हम बैठेंगे? महिमा है समय ये, अगर पा लेना है कोई और जाके ले आएगा, उससे पहले मैं जाऊं, समय की उसको पहचान पड़ जाएगी। इसी तरह ओ पप्पा जी, स्वामी जी, काका जी, क्या चीज पाई हुई है, वो महिमा अगर ख्याल में हो तब वो समय की पहचान हो जाएगी, समा की गम पड़ जाएगी, और सब चीजों को गौण करके पहले बस ये स्वामी हमारे राजी हो जावे वो कर लेना है, बाकी सारे काम बाद में, सारी चीजें बाद में, पहले स्वामी क्या कहते हैं वो करना है। जैसे वो मैंने महाभारत की अभी भी बात करी थी, मैं कई बार कहता हूं ना, अपने यहां बातें करते हैं ये करते हैं, हमारी निगाह ही साधु के प्रति नहीं होती। क्या क्या भाई ये हटा देना, ये इसके लिए इसके कारण सुनाई नहीं पड़ता, स्वामी क्या कहते हैं वो करना है। जैसे वो मैंने महाभारत की अभी भी बात करी थी, मैं कई बार कहता हूं ना, अपने यहां बातें करते हैं ये करते हैं, हमारी निगाह ही साधु के प्रति नहीं होती। कुछ साधु ने कहा हुआ होता है वो हमारे बेध्यान ही रहते हैं, स्वामी की हम बातें सुनते हैं तो हमारे बीच मन कहीं और जगह पे घूमता होता है। चलो बाकी की कल, वहां ये माँ बाप कल साधु की तरफ निगम। चलो अभी देखो, नरेंद्र मोदी साहब पीएम बन गए, उसका ढोकले का प्रसाद लेके सबको जाना है, ढोकला और जलेबी, एक दो ढोकला, पूरी डिश बीस नहीं,
चलो।